ना थके कभी पैर, ना हिम्मत कभी हारी है, हौसला है जिंदगी में कुछ कर दिखाने का, इसीलिए अभी भी सफर जारी है। नमस्कार, सलाम, सत श्री अकाल, मैं हूं शालिका ठाकुर, लेकर हाजिर आपके लिए हमारा ये खास कार्यक्रम जिसका नाम है क्या चल रहा है भारत। तो क्या कुछ चल रहा है भारत में, रोजाना की तरह आज भी आपको बताया जाएगा। आज की हिस्ट्री आपको हम बताएंगे और साथ ही बात करेंगे आज की टॉप 7 न्यूज के बारे में, क्या कुछ चल रहा है देश दुनिया में, वो लेकर मैं आपके लिए हाजिर होती हूँ ताकि आपका दिमाग जो है वो करंट अफेयर्स के साथ अप टू डेट रहे। इसलिए मैं हाजिर होती हूँ हर रोज आपके लिए। और ये कार्यक्रम दोस्तों आप सुन रहे हैं himachalabhiabhi.com पर। कार्यक्रम की करते हैं शुरुआत कुछ इस तरह से कि आज की हिस्ट्री के बारे में आपको बताते हैं। सबसे पहले तो 1952 में इंग्लैंड में स्मॉग की घनी परत के छा जाने के कारण हजारों लोगों की जान चली गई थी आज के दिन। और आज ही के दिन 1996 में अमेरिकी अंतरिक्ष एजेंसी नासा ने मंगल ग्रह के लिए एक और अंतरिक्ष यान मार्स पाथ फाउंडर प्रक्षेपित किया। आज ही के दिन 2006 में फिलीपींस के एक गांव में तूफान के बाद जमीन धंसने से लगभग 1000 लोगों की मौत हो गई थी। आज ही के दिन 2008 में प्रसिद्ध इतिहासकार रोमिला थापर को क्लूज सम्मान के लिए चुना गया था। तो ये थी इतिहास की खास घटनाएं और इसी के साथ बढ़ेंगे हम आज के टॉप 7 न्यूज के, और क्या कुछ खास आजकल देश दुनिया में चल रहा है, क्या कुछ खास हमारे पास टॉप 7 न्यूज आपको वो बताएंगे। तो आज है नौसेना दिवस, यानी कि आज दिन है हमारे जल रक्षकों का, और पीएम नरेंद्र मोदी ने जवानों को बधाई दी है। नौसेना के जवानों को उन्होंने कहा है कि निडर होकर रक्षा करने वाली सेना को शुभकामनाएं। देश आज नौसेना दिवस मना रहा है। हर साल 4 दिसंबर को देश के जांबाज जवानों को याद करते हुए नौसेना दिवस मनाया जाता है। इस मौके पर उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू, पीएम नरेंद्र मोदी, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने देश के जवानों को नौसेना दिवस की बधाई दी है और जवानों के जज्बे को सलाम किया है। इसी के साथ हम भी जवानों के जज्बे को सलाम करते हैं। चंद लाइने उन जवानों के लिए, उन जल रक्षकों के लिए जो दिन रात डटे हुए हैं हमारी रक्षा में। खुश नसीब है हम क्योंकि दिन रात कोई तैनात है हमारी रक्षा में। अपनी हर खुशी को भुलाकर वो हमारे लिए जीता है, वो सिर्फ जवान नहीं इस देश का जीता है। एक बार फिर आप सभी श्रोताओं को नौसेना दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। बढ़ेंगे अगली खबर की ओर और बात करेंगे किसान आंदोलन की। तो 9वां दिन है आज किसान आंदोलन का। टिकरी और झड़ोदा बॉर्डर जो है आज भी बंद है। तो कृषि कानूनों को लेकर लगातार डटे हुए हैं हमारे किसान, हमारे अन्नदाता जो हैं। आज 9वें दिन भी उनका संघर्षरत ये आंदोलन जारी है। सरकार से बातचीत की 7 घंटों की यह बातचीत, लेकिन चौथे दौर इस बातचीत का बेनतीजा निकला। सरकार का कहना है कि MSP रहेगी, उसे छुएंगे तक नहीं। वहीं किसान इस बात पर अड़े हैं कि संसद सत्र बुलाकर कानून रद्द कराए जाएं। अब 5 दिसंबर को फिर से बातचीत होगी, क्या निकलता है नतीजा वो देखने वाली बात होगी। वहीं किसान नेता कुलवंत सिंह संधु का कहना है कि सरकार ने MSP और मंडी समेत कई प्रस्ताव दिए हैं, हम इन पर आज विचार करेंगे। किसान आंदोलन के चलते टिकरी झड़ोदा बॉर्डर पूरी तरह से बंद है और दिल्ली ट्रैफिक पुलिस के मुताबिक बाड़ू सराय बॉर्डर जो है उसमें केवल हल्के वाहनों जैसे कार या बाइक के लिए ही उसे खोला गया है। वहीं झाटीकरा बॉर्डर पर दो पहिया वाहनों के लिए उसे खोला गया है। तो हम भी यही उम्मीद करेंगे कि हमारे जो अन्नदाता हैं, हमारे जो किसान हैं, उन्हें ज्यादा संघर्ष ना करना पड़े। सरकार उनकी बातों को सुने, अगर वो गलत हैं तो उन्हें समझाए, और अगर वो सही हैं तो उनकी मांगों को माना जाए। अब बढ़ेंगे अगली खबर की और बात करेंगे देश में कोरोना महामारी की। तो देश में 54% से ज्यादा लोग कोरोना से ठीक हुए हैं और जो एक्टिव केस हैं उसमें भी कमी आई है। तो देश में कोरोना की स्थिति में लगातार सुधार हो रहा है, जो कि एक अच्छी बात है। भारत में कोरोना वायरस में अब के मामलों में कमी देखने को मिल रही है, साथ ही 54% लोग जो हैं वो ठीक हो चुके हैं। देश में कोरोना वायरस का कुल आंकड़ा 95 लाख से पार चला गया है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय के ताजा आंकड़ों के अनुसार बीते 24 घंटों में कोरोना वायरस के 36,554 मामले सामने आए हैं। इस दौरान देश में 540 लोगों ने कोरोना की वजह से दम तोड़ा है। वहीं देश में कोरोना के अब तक 95,71,500
59 मामले सामने आ चुके हैं। देश में कोरोना से फिलहाल 4,16,082 सक्रिय मामले बचे हैं। देश में कोरोना के अब तक 90,16,299 लोग बिल्कुल ठीक हो चुके हैं। और बात करें मौत के आंकड़े की तो 42,914 लोग जो हैं वो कोरोना की वजह से जान खो चुके हैं। रुक करेंगे अगली खबर का। अगली खबर है हिमाचल प्रदेश से संबंधित। पहली बार कुछ ऐसा होने वाला है जो पहले नहीं हुआ। तो पहली बार दिसंबर में रोहतांग का सैर सपाटा नहीं कर सकेंगे सैलानी। विश्वविख्यात स्नो पॉइंट रोहतांग दर्रे का पर्यटक पहली बार दिसंबर में सैर सपाटा नहीं कर सकेंगे। 13,050 फीट ऊंचा दर्रा नवंबर के पहले सप्ताह हुई बर्फबारी के बाद से ही बंद है। ऐसे में सैलानी 6 माह बाद अगले वर्ष मई में रोहतांग की वादियों को निहार सकेंगे। बीआरओ अब दर्रे से बर्फ नहीं हटाएगा। यह पहली बार हो रहा है जब रोहतांग दर्रा 31 दिसंबर से नहीं बल्कि उस तारीख से 2 माह पहले नवंबर में ही सैलानियों के लिए बंद किया जाएगा। इसका बड़ा कारण ये है कि अब लाहौल या उससे आगे ले जाने वालों के लिए अटल टनल रोहतांग का बड़ा यातायात मार्ग बन चुका है जो सुचारू चलता रहेगा। हालांकि मनाली लेह मार्ग को आधिकारिक तौर पर 15 नवंबर को बंद कर दिया जाता है। बावजूद बीआरओ रोहतांग दर्रे को 31 दिसंबर तक यातायात के लिए बहाल करता रहा है। ऐसे में हजारों पर्यटक भी रोहतांग दर्रे पर बर्फबारी का दिसंबर अंत तक लुफ्त उठाते थे। लिहाजा बीआरओ ने मनाली के गुलाबा से बर्फ हटाने का निर्णय लिया है। तो चलिए ये थी हिमाचल के रोहतांग दर्रे से संबंधित खबर, सैलानियों के लिए खास तौर पर ये खबर थी। अब बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। हिमाचल में 72 पदों के लिए 11,500 ने आवेदन किया। कृषि विश्वविद्यालय पालमपुर में भरे जाने वाले पदों के लिए हजारों युवाओं ने आवेदन किया है। विश्वविद्यालय में विभिन्न विभागों के 72 पद भरे जाने हैं। विश्वविद्यालय ने इन पदों के लिए आने वाले आवेदन पत्रों की गिनती कर ली है जिसमें विश्वविद्यालय के पास 11,500 आवेदन पत्र हैं। कृषि विश्वविद्यालय पालमपुर में भरे जाने वाले पदों में से जूनियर ऑफिसर के 50, स्टेनो के 5, फील्ड सहायक के 10, क्लर्क के 4, लाइब्रेरी सहायक के 2 और जूनियर प्रोफेशनल सहायक का 1 पद भरा जाना है। तो भाई साहब पद 72 और आवेदन करने वाले 11,500, कंपटीशन टफ है। और कंपटीशन के साथ साथ बेरोजगारी का जो मंजर है वो आप इस बात से अंदाजा लगा सकते हैं कि 72 पदों के लिए 11,500 लोग आवेदन कर रहे हैं। बात करेंगे अब एंटरटेनमेंट की दुनिया की। तो एंटरटेनमेंट की दुनिया में बहुत बवाल मचा हुआ है आजकल। तो दिलजीत दोसांझ और कंगना रनौत के ट्विटर विवाद के बीच मीका सिंह ने भी ट्वीट किया है। किसान आंदोलन को लेकर दिलजीत दोसांझ और कंगना रनौत ट्विटर पर भिड़ गए। दोनों पर जमकर मीम्स बन रहे हैं। सोशल मीडिया पर कंगना रनौत काफी सक्रिय रहती हैं। कंगना ने ट्वीट कर किसान आंदोलन में शामिल हुई बुजुर्ग महिला को शहीन बाग प्रदर्शन में शामिल हुई बिल्किस दादी बताया था। ट्रोल होने के बाद कंगना ने ट्वीट डिलीट कर दिया। इस ट्वीट को लेकर दिलजीत दोसांझ के साथ उनकी जमकर बहस हुई। अब मीका जो कि बेहद प्रसिद्ध गायक हैं, उन्होंने अपनी प्रतिक्रिया दी है। मीका ने कहा है कि जब कंगना का ऑफिस तोड़ा गया था तो वे उनके समर्थन में बोले थे, लेकिन अब उन्हें लगता है कि वो गलत थे। कंगना रनौत एक महिला होने के नाते आपको बुजुर्ग महिला को सम्मान देना चाहिए। अगर आपके पास सभ्यता है तो माफी मांगे, आपको शर्म आनी चाहिए। ये सब बातें मीका ने कंगना रनौत को कही है। ये विवाद लगातार बढ़ता ही जा रहा है और इसमें जो है वो पंजाबी इंडस्ट्री के बहुत से कलाकार हैं जो एकजुटता से कंगना रनौत को घेर रहे हैं। अब बात करेंगे खेल जगत की। तो भारत ऑस्ट्रेलिया T20 सीरीज आज से कैनबरा के मनुका ओवल मैदान पर मैच आज खेला जाएगा। भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच आज यानी शुक्रवार 4 दिसंबर को 3 मैचों की T20 इंटरनेशनल सीरीज का आगाज होने जा रहा है। सीरीज का पहला मुकाबला कैनबरा के मनुका ओवल मैदान में खेला जाएगा। इससे पहले खेले गई वनडे सीरीज में मेजबान ऑस्ट्रेलिया ने 2-1 से भारतीय टीम को धूल चटाई थी। ऐसे में T20 सीरीज दिलचस्प होने वाली है। इसी बीच भारतीय टीम मैनेजमेंट ने एक बात की पुष्टि की है कि सीरीज में कौन से खिलाड़ी खेलेंगे और कौन से नहीं। तो गेंदबाज शार्दुल ठाकुर, स्पिनर कुलदीप यादव और सलामी बल्लेबाज शुभम गिल इन सीरीज में नहीं खेल पाएंगे। हालांकि बैकअप के तौर पर वे टीम के साथ बने हुए हैं और तब तक नहीं खेल पाएंगे जब तक कोई खिलाड़ी चोटिल ना हो। ये तीनों खिलाड़ी वनडे टीम में चुने गए थे। तो बात करते हैं अब आज के ज्ञान की।
तो आपको जानकर हैरानी होगी कि दुनिया के सबसे पहले कैमरे से फोटो खींचने के लिए 8 घंटे तक इंसान को कैमरे के सामने बैठना पड़ता था। आजकल तो टेक्नोलॉजी इतनी फास्ट हो गई है कि बस एक क्लिक किया फोन में और आपकी सेल्फी आपके पास होती है, आपकी फोटोग्राफ आपके पास होती है। तो ये थी आज की ज्ञान की बात। इसी के साथ कल आपसे पूछा गया था एक सवाल कि रानी लक्ष्मीबाई के पिता का क्या नाम था। सही जवाब दिया है हमें अक्षय शर्मा ने, मोरोपंत तांबे आर रानी लक्ष्मीबाई के पिता का नाम। आज का सवाल आपके लिए ये रहा, जो कल नहीं दे पाए हैं सबसे पहले जवाब उनके लिए एक बार फिर से है मौका सही जवाब देने का। तो आज का सवाल आपके लिए है, भारतीय क्रिकेट टीम ने पहली दफा वर्ल्ड कप मैच कहां और कब जीता था। तो ये है आज का आपके लिए सवाल, तो दीजिए हमें जवाब। और इसी के साथ मेरा समय यहाँ पर होता है समाप्त और करेंगे आपसे बातचीत कल, फिर से होगी आपसे मुलाकात। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत, धन्यवाद और सुनते रहिए हमारा ये कार्यक्रम जिसका नाम है क्या चल रहा है भारत। श्री बालाजी मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल कांगड़ा, जहां आपको एक ही छत के नीचे मिले बेहतरीन चिकित्सा सुविधाएं, कार्डियोलॉजी, लैप्रोस्कोपिक, जनरल सर्जरी, न्यूरोसर्जरी, ऑर्थोपेडिक्स, पीडियाट्रिक, रेडियो डायग्नोसिस, यूरोलॉजी, गैस्ट्रोएंट्रोलॉजी, ऑफ्थेल्मोलॉजी, पैथोलॉजी, मेडिसिन, एनेस्थीसिया और डेंटल जैसी अत्याधुनिक और बेहतरीन चिकित्सा सुविधाएं, 24 घंटे इमरजेंसी सुविधा, 9 बेड के साथ क्रिटिकल केयर यूनिट, कार्डियक मॉनिटर और डिफिब्रिलेटर्स, सेंट्रल ऑक्सीजन लाइन और वेंटिलेटर सुविधा। हिमाचल प्रदेश के सबसे बड़े निजी स्वास्थ्य सेवा प्रदाताओं में से एक श्री बालाजी मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल कांगड़ा, राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा योजना के साथ सूचीबद्ध श्री बालाजी मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल कांगड़ा। बीपीएल परिवारों के लिए अस्पताल में कैशलेस भर्ती होने के साथ ही ईसीएच की भी सुविधा। हमारा पता श्री बालाजी मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, बालाजी विहार, उज्जैन, कांगड़ा। संपर्क करें 921811108 पर। श्री बालाजी मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल कांगड़ा।